हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूली और स्वागत है आपका रूलीज किचन में। आज मैं आपके लिए एक क्विक स्नैक की रेसिपी लेकर के आई हूं, जो हम बनाएंगे बच्चे के चावल से। चावल तो हमारे घर में अक्सर ही बच जाते हैं, तो हम उसी से एक टेस्टी स्नैक की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक बाउल बचा हुआ चावल है और मैंने आधा बाउल यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने ऐसे मैश कर लिया है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो चावल है उसे हम इस बाउल में निकालेंगे। फोक की मदद से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। इवनिंग स्नैक्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और अगर कोई गेस्ट आपके घर आ जाए तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। और अब मैं इसमें ये मैश किया हुआ आलू ले लूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू हमारे कटलेट को बाइंडिंग भी देगा और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। चलिए अब हम इस पर अपने मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने हरा धनिया लिया है, वो डाल देंगे हम इसमें। हरे धनिया का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। यहाँ पे मैं 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर डालूंगी। 1/2 टेबल स्पून हम इसपे चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले से बहुत चटपटा लगता है ये। और यहाँ पे मैंने नींबू लिया, तो मैं यहाँ पे आधे नींबू का रस इसमें डाल लूंगी। और हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप नॉब को अच्छे से वॉश करके और इस सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे इसमें 2 टेबल स्पून मैदा डालूंगी। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम इससे कटलेट बनाएंगे। तो कटलेट बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने हाथों पे पहले ऑयल लगा लेंगे, इससे जो ये कटलेट है वो हमारे हाथ पर चिपकेगा नहीं। और अब हम अपने हाथों से ऐसे बॉल का शेप बनाएंगे पहले। और अब हम इसे ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप इस साइज से बनाएंगे तो आपके जो सारे कटलेट है वो एक जैसे बनेंगे। और अब हम अपने हाथों पे रखकर इसे ऐसे प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, और ऐसे ही सारे कटलेट हम बना के रख लेंगे। ये खाने में बहुत ही चटपटे और टेस्टी लगते हैं और चावल की वजह से बहुत ही कुरकुरे भी बनते हैं। इसे आप पहले से बना करके फ्रिज में रख भी सकते हैं और तुरंत फिर इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो ऐसे ही सारे कटलेट हम बना लेंगे। आप इसे अपने मनचाहे शेप में बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे राउंड शेप दे रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कटलेट इस तरह से बना लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है और मैंने तेल डाल दिया। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम अपने जो कटलेट है उसे फ्राई करेंगे। जो तेल है हमारा वो अब गर्म हो गया है, तो हम पहले फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और हम अपने कटलेट इसमें डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कटलेट डाल दिया। एक बार में हम 4 कटलेट फ्राई करेंगे और फिर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से हमारे जो कटलेट है वो सिक गए हैं, तो हम इसे पलट लेंगे। इसे बहुत आराम से पलटिएगा, क्योंकि जब एक तरफ से सिके नहीं है तो ये टूट भी सकते हैं। और ऐसे ही हम इसे दूसरे तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम पे ही रखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे कटलेट है वह हो गए, तो हम इन्हें निकाल लेंगे।
और बाकी ये कटलेट भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो बचे हुए चावल की कटलेट है वो बनकर तैयार है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर बनाइए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।